हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स डिस्कशन, जिसका टेस्ट आईडी आपका है DDPL PYP M031। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है। सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ 79 माइनस 6 माइनस 4, फिर आपका 4 यहाँ माइनस है 6, 8 इंटू 6 प्लस 3। अच्छा एक चीज बताइएगा, सबसे पहले काम किसका होगा, जिसका काम होगा ये कितना दे देगा आपका 9 दे देगा, और 9 इंटू 8 कितना हो जाएगा 72। 72 और 4 इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आएगा माइनस 68, और ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस 6। और यदि बाहर में आप देखेंगे तो ये आपका 2 डिवाइड में है, डिवाइड 2 कर देंगे और बाहर सबसे बाहर में जाएंगे तो आपका 79 आपका माइनस में इसे इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 74, और 74 का फिर हम लोग हाफ कर देंगे तो 79 सही है, ये हो जाएगा 37। इसको जब हम लोग माइनस कर लेंगे हो जाएगा आपका 42। तो बहुत ही जल्दी बना सकते थे, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चार अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4, 8, 12 और 16 से डिविजिबल है। आप यहां पर या तो 3 का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं या तो आप 8 का भी चेक कर सकते हैं। यदि आप 3 का चेक करेंगे, देखिए ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल नहीं है। हम 3 का क्यों चेक कर रहे हैं याद है आप लोग, क्योंकि 12 जो है 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। चेक कैसे करते हैं, सम ऑफ डिजिट करके जोड़ेंगे इसको तो ये आपका आ जाएगा 4, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। 6 और 1 7 ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 8 और 1 9 ये हो सकता है, 1 और 1 2 ये नहीं है। ऑप्शन ऑब्वियस है कि आपका ऑप्शन नंबर बी ही होने वाला है, क्योंकि वही एक 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल होगा तो 12 का चांस होगा डिविजिबल होने का, ठीक है, या फिर 8 का चेक करेंगे आप तो लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे। देखिए 8 से डिविजिबल नहीं है, ये है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो एक ही कंडीशन फिर भी आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि दो संख्याएं x और y इस प्रकार है कि x का 18% और y के 8% का योग x के 22% और y के 36% के योग का 1/3 है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि x का 18% प्लस y का 8%, ये दोनों का सम कर लिए। फिर लिखा हुआ है कि x का 22% और y का 36% का योग का 1/3, ये आपस में बराबर होगा। तो आप लोग पहले परसेंटेज कॉमन लेके काट देंगे, ये सभी से देखिए 2 से कट रहा है तो 2 से काट देंगे, 2 से ये 9 बार में, 2 से 4, 2 से 11 और 2 से 18। अब ये 3 उधर डिवाइड में जिधर आएगा मल्टीप्लाई में होगा तो 9 × 3 = 27 एक्स हो जाएगा ये, और ये 12 वाई हो जाएगा, बचा इधर 11 एक्स प्लस 18 वाई, ये दोनों माइनस कर लेंगे आप तो 16x हो जाएगा, ये दोनों माइनस करेंगे तो 6y, 2 से 3 बार में 2 से 8, तो x और y का रेशियो निकालेंगे तो एक्सचेंज हो जाएगा ये, तो 3 और 8 का रेशियो आएगा, 3 और 8 का रेशियो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन परसेंटेज का ये भी है। लिखा हुआ है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में उम्मीदवारों में से एक ने 35% मत हासिल किए और दूसरे उम्मीदवार से 1296 वोट से बेचारा वो हार गया। मान लीजिए टोटल 100 वोट का हुआ वोट, उसमें जो हारा वो लाया 35, तो जीता वो कितना लाया होगा, तो आप बोलेंगे 65। कितना वोट से बेचारा हार गया वो 30, और यही 30 का वैल्यू आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1296। 1% का निकालेंगे यहां से तो जाएगा 1296/30। पूछा गया टोटल कितना वोट था, यानी कि 100 का पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 00 ये काट लेंगे 432, तो 4320 जो है टोटल वोट था, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
लिखा हुआ है कि एक वस्तु 10% के छूट पर बेची जाती है, नगद भुगतान करने पर 40% का अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। यदि अनीता ने इस वस्तु को 2700 रुपया नगद भुगतान करके खरीदा, नगद भुगतान किया, इसका मतलब उसको 2 डिस्काउंट मिलेगा जो कि सक्सेसिव होगा, एक 10 और 40 का, तो बताइए उसका एमपी क्या होगा। तो हम लोग एमपी और एसपी का पहले रेशियो लिखेंगे। रेशियो मेथड से 10% का डिस्काउंट यानी कि 1/10 इसका फ्रैक्शन है जो होगा, तो 10 में 1 छोड़ दिया तो बेचा कितना में, 9 में। दूसरा है 40% यानी कि 2/5, 5 के समान में 2 छोड़ दिया तो 3 में बेचा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 50 और 27, मतलब 50 का समान वो 27 में खरीदी और यही 27 का वैल्यू लिखा हुआ है 2700 में खरीदी है, 1 का वैल्यू 100 हो जाएगा, तो 50 एमपी है तो एमपी वैल्यू हो जाएगा आपका 5000 रुपया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6th नंबर क्वेश्चन, 1800 रुपए में एक रेडियो सेट बेचने पर एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य के 1/8 लाभ के रूप में प्राप्त होता है, मतलब जितना कॉस्ट प्राइस होगा उसका 1/8 क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो बोला गया प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो 1/8 यानी कि यदि हम कॉस्ट प्राइस 8 मानते हैं तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, तो 1 प्रॉफिट 8 में से इंटू कर देंगे 100, तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट आएगा वो आपका आ जाएगा 12.5% का आपका हो जाएगा प्रॉफिट। कुछ करने की जरूरत नहीं था, कितना आसान था, ऑलरेडी दिया था, बस 100 से मल्टीप्लाई करना था आपको। आगे बढ़ा जाए 7 नंबर, एक डीलर किसी वस्तु पर अपने ग्राहक को 15% के छूट देने के बाद भी 15% लाभ अर्जित करता है, 15% का डिस्काउंट दिया फिर भी 15% का प्रॉफिट हुआ और उसका क्रय मूल्य 2500 रुपया हो, तो बताना है कि अंकित मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहली बात हम लोग यहां पर फॉर्मूला पढ़ते हैं एमपी और सीपी का डायरेक्ट रेशियो निकालने के लिए, 100 में से डिस्काउंट परसेंट माइनस कर देंगे, सॉरी 100 में से प्रॉफिट परसेंट ऐड कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, लॉस होगा तो यहां पर हम लोग माइनस कर देंगे और 100 में से डिस्काउंट परसेंट माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 15, तो हो जाएगा 115 और डिस्काउंट परसेंट भी 15 है तो हो जाएगा 85। तो ये जो रेशियो आएगा आपका एमपी और सीपी का डायरेक्ट आएगा, 5 से काट लेंगे 17 और ये हो जाएगा 23। किसका वैल्यू दिया है, तो यहां सीपी दिया हुआ है तो 17 का वैल्यू दिया हुआ है 2500, एमपी पूछा यानी कि 23 का वैल्यू पूछा गया है, तो 2500 डिवाइड 17 इंटू 23 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 00 हो जाएगा आपका, 25 75 का 5 25 50 और 7 हो जाएगा आपका 57, 575 डिवाइड कर लेंगे 17 17 51, 3 वाला है मतलब ये दोनों गया काम से, यही दोनों होगा बचा आपका कितना, तो 6 फिर 17 51 33 16 होगा, यही होगा आपका 33 82, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अप्रोक्स पूरा नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, लवा लवा यही आएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है तो 10625 रुपया पर 8% की वार्षिक रेट से 2 वर्षों का सीआई क्या होगा। तो सबसे पहले बात आपका इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए 2 साल के लिए, 2R.R² इतना परसेंट होता है, R मतलब रेट परसेंट, रेट कितना है बताइए 8, तो 8 के स्क्वायर कर देंगे 64, डॉट आर दूनी कितना हो गया 16, या फिर आप इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं x + y + x × y/100, दोनों से ही आपका कितना आएगा 16.64% का आपका इफेक्टिव रेट आएगा और यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो सीआई निकालना है, कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल कितना दिया है 10625, इसका आप 16.64% निकाल देंगे, परसेंट मतलब 00 आएगा और ये पॉइंट हटाएंगे तो यहां भी आपका 00 आएगा, 4 जीरो आपको बैठेगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे, काटेंगे 25 से तो 25 चौका हो गया 100, बचा कितना 6 और मतलब उतरे 25 1 का 25 50, ये 425 बार में जाएगा और ये चल जाएगा 400 बार में, फिर इसको काटेंगे 4 से 100 बार में
चार से कट जाएगा, चार से, चार से सोलह बार में, फिर 25 से काटेंगे 17 बार में जाएगा, और ये 25 जाएगा 4 बार में, और ये जाएगा 104 बार में। तो 17 इंटू 104 करेंगे तो हो जाएगा आपका 1768। ये 17 इंटू 104 कर लेंगे आपका मिलेगा 1768। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति कुछ पैसे उधार दिए और प्रत्येक 1025 रुपया की दो समान किस्त में वापस कर दिए। कुछ पैसा उधार लिया और 3025 रुपया का दो इंस्टॉलमेंट में उसको वापस कर दिया। फिर लिखा हुआ है कि यदि ब्याज की दर 10% हो और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता हो तो बताइए कि कितना रुपया उधार लिया था। तो आप एक चीज बताइएगा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। हम लोग लिखेंगे पी से आई का रेशियो, मतलब प्रिंसिपल से इंस्टॉलमेंट का रेशियो। तो 10 रुपया में 1 रुपया ब्याज मिलेगा तो 11 इंस्टॉलमेंट देना होगा। दूसरा साल में स्क्वायर करते हैं तो 100 से 121 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर है। तो बराबर करने के लिए इस रेशियो हमको 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 121। पुराना रेशियो हम लोग फिर क्या करते हैं, काट देते हैं। और यही 121 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 3025। एक का वैल्यू निकालेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। आपको पूछा गया कितना उधार लिया था, तो उधार लिया गया राशि आपका यहाँ पर देख लेंगे 210 है, तो 210 का वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग तो हो जाएगा 25 × 210। 0 25 कम 25 50 लास्ट में दो ऑप्शन दिख रहा है, और 25 × 50 और दो कितना हो गया आपका 52। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फिर से एक बोनस क्वेश्चन आ गया। कुछ नहीं करना है इसमें, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, लास्ट टू टर्म को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड कर देना है फर्स्ट टर्म। ये दो बार में कट गया, आंसर आपका कितना मिला, 24। इसका नाम है फ्री का नंबर, इसको उठाइए। ठीक है, इस तरह प्रत्येक एग्जाम में आता है SSC का लगभग। अगला आपका आ गया, छह पूर्णांकों का औसत 48 है, 6 नंबर है, इसका एवरेज कितना दिया हुआ 48। पहला 5 का औसत, पहला 5 मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस 4 प्लस 5, इसका एवरेज निकालेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे। पहला का औसत छठी संख्या का 70% है, यानी यदि छठी संख्या 100 होगा तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पांचों औसत कितना जाएगा, 7। तो हम बोलेंगे बताइए फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ और सिक्स नंबर का रेशियो क्या होगा। ये वैल्यू आपका शिफ्ट कर जाएगा यहां पर, तो 5 × 35 और ये हो जाएगा 10, तो रेशियो बन जाएगा 7 और 2 का, मतलब ये सभी का सम और छठा संख्या का जो एवरेज होगा, पांचों का सम और छठा संख्या जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 7 और 2 होगा। अब यहां पर बोलेंगे टोटल छेवो का सम कितना होगा, तो 9 हो जाएगा, और यहां पर छेवो का एवरेज दिया है 48 इंटू कर देंगे 6 तो सम निकल जाएगा। तो एक का निकालेंगे तो 48 × 6/9, तो वो नंबर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर, तो 2 का वैल्यू निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये आपका 32 टाइम्स कट जाएगा, 32 × 9 हो जाएगा 64, यानी जो छठा संख्या होगा छेवा नंबर वो आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, डायरेक्ट ऐसे लिखना है ऐसे क्या, तो फिफ्थ का एवरेज मतलब पांचों का संख्या का औसत और छठी संख्या का वो 70% होगा, यदि ये 100 होगा ये 70 होगा, तो रेशियो होता 7 और 10 का सम। ये देखिए एवरेज है, सम निकालने के लिए क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3510 होता, 3510 दोनों बात बराबर है, लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लिखा हुआ है कि एक पाइप से एक टैंक 15 घंटे में पानी भर जा सकता है। मान लेते हैं एक पाइप है ए जो कि 15 घंटे में पूरा पूरी टंकी को भर देगा। पेंदी में एक रिसाव है, लीकेज है, जिसके कारण इसको 20 घंटा लग रहा है, यानी कि ए तो काम करेगा इसके साथ लीकेज भी आ गया तो इसको 20 घंटा लग रहा है। अब लिखा है कि टंकी पूरा तरह से भर गया है और पाइप बंद कर दिया
तो रिसाव इसको कितना देर में खाली कर देगा। सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम 60 होगा और ये हो जाएगा 4 और ये 3, तो ए प्लस बी का कंबाइन एफिशिएंसी 3 है जिसमें से ए का 4 है, तो लीकेज का कितना रहा होगा -1। तो टाइम ऑफ लीकेज पूछा गया है आपसे, तो 60 खाली करना है, हर घंटा एक खाली करेगा तो 60 घंटा में पूरा टंकी को खाली कर देगा, और 60 घंटा आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, रुखसाना ने स्थान ए से बी तक जाने का एवरेज स्पीड जो था वो 60 किलोमीटर पर आवर है और एक भिन्न चाल के साथ उसी मार्ग से वापस लौटती है, वापस लौटने का स्पीड नहीं दिया हुआ है। अब लिखा है कि यदि इस दो तरफा यात्रा के दौरान रुखसाना की जो कुल एवरेज स्पीड था वो 48 है, जो आने जाने का जो एवरेज स्पीड बना उसका वो 48 बना, तो बताइए बी से ए की ओर की यात्रा का समय यात्रा करने के लिए उसका औसत चाल क्या था, मतलब बी से ए जो वापस लौटा था वो कितना था। इस कंडीशन में जब भी कुछ दूरी जाता है फिर वापस आता है, इस कंडीशन में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy / x + y और इसी का वैल्यू दिया हुआ है टोटल कितना 48 रखेंगे यहां पर वैल्यू हम लोग, तो 2x यहां पर दिया हुआ है 60, वापस आने का नहीं दिया है, तो y 60 प्लस क्या हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा 48। देखिएगा 12 से 5 बार में कट जाएगा, 12 से कट जाएगा 4 बार में, और 2 से कट जाएगा 2 बार में। इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5y हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा आपका 120 प्लस 2y, तो यहां से 3y इक्वल टू 120, तो y का वैल्यू जो आने का स्पीड होगा वो 120 बटा 3 कर लेंगे तो हो जाएगा 40 मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत ही आसान। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली बस 40 सेकंड में कितना दूरी ट्रेवल करेगी। तो सबसे पहली बात आपको यहां पर पता होना चाहिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर है, टाइम 40 सेकंड है, इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 3600 से डिवाइड करना होगा, तो 0 0 गया 18 से 6 बार में जाएगा, या 18 से जाएगा आपका 20 बार में, और ये कट जाएगा आपका 5 बार में, तो 6/5 किलोमीटर चलेगा, और 6/5 किलोमीटर को आप पूरा पूरी 1 किलोमीटर और 1/5 मतलब 200 मीटर, तो 1 किलोमीटर 200 मीटर इतना चला हूं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है कि एक्स -1/x इक्वल टू दिया हुआ है 7.5, आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है k² + 2, तो 7.5 का होल स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे 2। अब देखिए 75 जिसका लास्ट है 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, क्या करना है जो पहला डिजिट लिखा इसका स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 7 में एक बढ़ाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 में बढ़ाए कितना हो गया 8, 8 × 7 कितना हो गया 56, तो 56 25 का स्क्वायर हो जाएगा, दो अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा प्लस हो जाएगा 2, 56 और 2 कितना हो गया 58, 58.25 इसका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बताइए जो ये लिखा हुआ इक्वेशन इसका क्या वर्गमूल होगा, तो वर्गमूल मतलब आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, x² - 14x + 49 का और x² + 6x + 9 का। अब ध्यान से देखिएगा ये किसी का स्क्वायर है, कैसे देखिए ए स्क्वायर हो गया -2ab + b² ये a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा, सेम यहां पर ये a² + 2ab + 3 का होल स्क्वायर। अब यहां से हम देख लेंगे कि ये बन गया a² - 2ab + b², तो x - 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a² + 2ab + b², तो x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब दोनों जब बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा x - 7 और ये हो जाएगा x + 3। ऑप्शन नंबर आपका कहां है देख लीजिए आप, ये आपका है सी नंबर में, इसमें
ठीक है, हालांकि यहां से देख के पता लग रहा था वैसे ही बना सकते हैं डायरेक्ट। अब मैं प्रोसेस बता दी एक बार आपको। हम अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर है, लिखा हुआ है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का पावर 2/3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। और यहां पर कंडीशन दिया हुआ है आपको कि एक्स और वाई दोनों ही जीरो के बराबर नहीं होगा। तो हमको यहां पर देख के एक आइडिया आया कि यहां पर आप कर देंगे क्यूब दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या कर दिए क्यूबिंग बोथ साइड, तो ये तीन तीन कट जाएगा, आपका बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इधर से आएंगे आप तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये तो कट गया आपका, यहां पर हो जाएगा टू एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये तो सही है। यहां देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं आप यहां से, यदि आप देखेंगे तो यहां से कॉमन निकल जाएगा। चलिए तो कॉमन निकालते हैं, तो थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन निकाल दिए, तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो है पावर टू, पावर टू इससे कट जाएगा, तो यहां पावर एक ही बचेगा, तो ये फाइनली देगा टू एक्स वाई, इधर हो जाएगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमको रेशियो चाहिए था एक्स स्क्वायर बाय एक्स वाई, इसको इधर लाएंगे आप तीन को नीचे लाएंगे, यहां से मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई इक्वल टू टू बाय थ्री। टू बाय थ्री आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो सिंपली यहां पर क्यूब करके इसको सॉल्व कर लेना था। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर के बाद 18 नंबर में, लिखा हुआ है कि एक वृत्त की 15 सेंटीमीटर लंबी चाप केंद्र पर 24 डिग्री कोण बनाती है। एक आर्क है जिसका लंबाई 15 सेंटीमीटर है और ये सेंटर पर जो है वो 24 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब लिखा है इसका बताइए सर्कमफेरेंस क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले रेडियस फाइंड करेंगे इसका। आर्क की जो लंबाई होता है वो पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री होता है। अब इसको काट लेंगे आप तो ये 12 कट जाएगा 2 और 12 कट जाएगा ये 15। आर का वैल्यू आ जाएगा 15 इंटू 15 225 बाय 2 पाई, ये आर आया। इसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई रहने देते हैं आर की जगह पर, 225 बाय 2 पाई पुट कर देंगे तो 2 पाई कट गया, आंसर हो जाएगा 225 और 225 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, ठीक है। 19 नंबर में देखते हैं क्या कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के एक युग्म की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, पैरेलल साइड का लेंथ आपको यहां पर दिया हुआ है। इसके साथ ही लिखा हुआ है कि इन दोनों भुजाओं के बीच का लंबवत दूरी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, बताइए क्या होगा एरिया। तो कोई भी ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड होता है, तो पैरेलल साइड को जोड़ देंगे आप तो हो जाएगा 45 इनटू होता है हाइट इनटू कर देंगे 14, ये 7 बार में कट जाएगा और 45 इनटू 7 315 होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर लिखा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरे की रेडियस त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो बताइए कटोरा का वॉल्यूम क्षमता क्या होगा। तो वॉल्यूम इसका सिंपल होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब तो 7 × 7 × 7 कर लेंगे, ये कट गया आपका 7 × 7 49 तो 98 इंटू कर लेंगे 11 तो हो जाएगा आपका 6 × 15 = 5 × 10 = 11 और 1 × 1 = 2 बाई कितना हो जाएगा 3। तो 7 से स्टार्ट होगा, यही आपका पाला में ही है, 718 होल 2/3।
तो बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं, कोई सब बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आपको कैलकुलेशन आना चाहिए और फॉर्मूला आना चाहिए। 21 नंबर में आते हैं, 21 लिखा है कि दो लंब वृत्तीय बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है और यदि इनकी ऊंचाई 5:3 के रेशियो में है तो बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो सबसे पहली बात आप बताइएगा वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू मान लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका इसको आर वन एच वन मान लीजिए, पाई आर आर टू का स्क्वायर और एच टू, तो पाई पाई तो कट जाएगा। रेडियस का रेशियो आपका 2:3 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9, और हाइट का रेशियो 5:3 है तो यहां पर 5 और 3 रख देंगे तो जो रेशियो बनेगा आपका 20 और 27 का बनेगा, ऑप्शन नंबर डी में आपका लिखा हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर लिखा हुआ है कॉस थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3/2 है तो बताइए थीटा का मान क्या होगा। जैसे हम पहले लेते हैं कॉस 3π/2, इसको आप लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस पाई बाय टू। अब जब देखेंगे इसका वैल्यू जो भी प्लस माइनस जो आएगा ये कॉस 90 आएगा और कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है, ये कभी भी इसके बराबर हो ही नहीं पाएगा। फिर कॉस 5π/6 लेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग कॉस पाई माइनस पाई बाय सिक्स। अब यहां पर देखते हैं कि पाई आपका यहां आता है, साइन आपका माइनस का है तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहां सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये वैल्यू आपका माइनस में आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक का घर होता है, और पाई है तो क्योंकि ये आपका 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है 180, इसलिए आपका चेंज नहीं करेगा तो कॉस का कॉस रह जाएगा और पाई बाय सिक्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपका जो देगा ये 30 डिग्री है तो माइनस रूट 3/2 दिया, तो यही आपका एक ऑप्शन पॉसिबल है जो कि इसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपका डीआई का आ गया है, बहुत ही इजी डीआई है, आपको लिखा हुआ है, इसको आपको बढ़िया से पढ़ना है और क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन क्या है, तो जो आपका डाटा दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग बताना है किस वर्ष में जुकाम, जुकाम मतलब कोल्ड का मामला सबसे कम है। कोल्ड किसको दिखा रहा है, तो कोल्ड जो है रेड रेड है उसको दिखा रहा है, कोल्ड सबसे कम देख रहे, देखिए इस जगह पर है, इससे कम और कोई देखिए इसके लेवल में कोई नहीं है इसके कम, तो सबसे कम कहां है 1990 में, 1990 मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देखना है और जवाब देना है। 24 नंबर में क्या है देख लेते हैं कि दी गई तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें, दिया गया है कि छात्रों की कुल संख्या 100 है, टोटल छात्र 100 है। अब लिखा है कि ए में 80% से कम प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो पहले देखते हैं टोटल छात्र तो 100 है, 100 में से 80 से ज्यादा कितने लोग लाया, तो 80 से ज्यादा हम यहां पर देख रहे हैं 9 लोग ऐसे जो 80 से ज्यादा लाया है, तो 9 कम कर देंगे तो 91 लोग बचेगा जो क्या होगा वो 80% से कम लाया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक चार्ट दिया हुआ आपको यहां पर, इसके बाद लिखा हुआ है कि कुल 10,000 लोग, यहां पर टोटल कितना है 10,000 लोग, उसमें से व्यवसायों में महिला और पुरुष का प्रतिशत दिखाया गया है, मतलब टोटल 10,000 में से बहुत सारा प्रोफेशन दिया गया है, टीचिंग का, लॉ का, मेडिकल का, इंजीनियर का, बैंकिंग का, उसमें से क्या जवाब देना है, तो बोला गया है टीचिंग में, टीचिंग प्रोफेशन में पुरुषों का टोटल कितना संख्या है, तो आप एक चीज बताइएगा टोटल है कितना 10,000 है और 10,000 में जो है 20% लोग है वो टीचिंग कर रहे हैं, तो पहले 10,000 का 20% निकाल लेंगे। अब उसमें से भी जो टीचिंग कर रहे हैं उसमें से भी आपको यहां पर पुरुष यानी कि मेल की संख्या बताना है, तो मेल है कितना 50%, इसका निकाल देंगे हम लोग 50%, तो 0000 ये 10 पूरा 4 जीरो कट जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 1000, तो 1000 लोग ऐसे हैं जो टीचिंग करते हैं और वो पुरुष है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, तो चलिए इस तरह आज का क्लास का डिस्कशन पूरा खत्म हुआ, आज का क्लास तय रहेगा, धन्यवाद।